हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता जी क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी सूरन की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। किसी किसी जगह इसको जिमीकंद भी बोलते हैं, और ये बनाने में भी बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बना कर देखिए, शायद ही आपने इस तरीके से कभी बना कर देखी होगी। कोई कोई लोग सूरन नहीं खाते हैं, जिमीकंद इस तरीके से बनाएंगे तो सभी लोग खाएंगे। एक बार जरूर बना कर देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना। ये मैंने 250 ग्राम सूरन को इतने बड़े टुकड़ों में काट के 4 सीटी में कुकर में उबाल लिया है। ये ऐसे मिस हो जाए, हमें इतना उबालना है और फिर इसे क्रश कर लेना है। अच्छे से ऑयल गरम करने के लिए रख देना है। हम लोगों को पहले इसको फ्राई करना होगा, सूरन को, जिमीकंद को अच्छे से फ्राई कर। ये मैंने प्याज काट के रखी हुई है एक बड़ी, एक गठान लहसुन और अदरक आधा इंच पीस के रखा हुआ है। ये हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें हमारा सूरन को डालेंगे और अच्छे से हम इसको पकाएंगे। 15 मिनट धीमी गैस पे हमको पकाना है। हमें तब तक पकाना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए, ये एकदम ठीक ना हो जाए, बर्तन को छोड़ने लगे तब तक हमें पकाना है। ये देखिए 15 मिनट धीमी गैस पे मैंने पकाया। अब ये बर्तन को छोड़ रहा है, कढ़ाई को छोड़ रहा है, मतलब कि ये अच्छे से पक गया है। सूरन को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। ये हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम सब्जी फ्राई करेंगे। ये मैंने ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम ऑयल को अच्छे से गरम करना है, और अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। अब प्याज डाल दी है, थोड़ी देर प्याज को पकाएंगे, तो उसके बाद इसमें मैं अदरक और लहसुन डाल दूँगी और फिर अच्छे से पकाना है। फ्रेंड्स, अगर आपने भी इस तरीके से कभी सूरन की सब्जी या जिमीकंद की सब्जी बना के देखी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। इस तरह से आपको ज़रूर किसी ने नहीं बताया होगा सूरन की सब्जी बनाना, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने अदरक और लहसुन डाल दिया है, अच्छे से पकाएंगे हम। 3-4 मिनट अच्छे से पकाएंगे। ये मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी लाल मिर्च आधा चम्मच, ये 2 चम्मच धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा गरम मसाला लिया हुआ। ये हमने इतना पका लिया है, लाल कर लेना है हमको प्याज लहसुन को। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं, थोड़ी सी देर से पका के मसाले, फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि नहीं तो मसाले जल जाएंगे ज़्यादा देर तक तेल में डाली जाए तो। अब हम इसमें पानी डाल के थोड़ी देर मसाले को अच्छे से हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर आप बना कर देखिए। ये सब्जी मेरी फेवरेट सब्जी है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, और देखिए हमारा मसाला अच्छे से धीमी गैस पे भुन गया। अब हम सूरन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। किसी जगह सूरन बोलते हैं और किसी जगह जिमीकंद बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है मसाले में सूरन को। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना हमको चाहिए उस अनुसार, क्योंकि बाद में ये थिक हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। अब मैं इसमें ज़रूरत अनुसार पानी डाल देती हूँ, और 5 मिनट धीमी गैस पे एक उबाल आने तक इसको पकाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ गया है अच्छे से, हमें बस इतना ही पकाना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है, कश्मीरी लाल मिर्च से अच्छा कलर आता है। और अब हम गैस बंद कर देते हैं। लीजिए, बनकर तैयार है हमारी स्पेशल सूरन की सब्जी, जिमीकंद सब्जी। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर